नमस्कार, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और सबसे पहले आपको बुलेटिन में लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि सूचना विभाग मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है, बरसात 2019 की तुलना में एक महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य एक महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर दे करके इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेट करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें। लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट होटल में जो कार्मिक हैं इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि अभी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे पास अभी समय है, कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। टीम प्रयागराज जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए यहाँ पे अधिकृत की गई है, वह यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद बनाते हुए, अखाड़ों के साथ में, संतों के साथ में, आचार्यवाड़ा, काक चौक या तीर्थ पुरोहित इन सभी के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग समयबद्ध। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे प्रयागराज से। महाकुंभ 2025 का लोगो उन्होंने जारी किया। इस दौरान आरती करते हुए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च किया है। शाही स्नान और पेशवाई शब्द बदलने को लेकर भी उन्होंने अपने संबोधन में बात रखी।